तो यहाँ पर मेरा वर्क विद आर्टिस्ट अप्रूव हो चुका है, लेकिन आप जब वर्क विद आर्टिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको शो होगा और आपका रीजन का प्रॉब्लम आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक वन बाय अली। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्क विद आर्टिस्ट क्या है, वर्क विद आर्टिस्ट के अंदर हमें कितने व्यूज के ऊपर कितने डॉलर मिलने वाले हैं और इसको हम आसानी से अप्लाई करके 2 मिनट के अंदर ही कैसे अप्रूव करवा सकते हैं, और ये भी समझाऊंगा कि वर्क विद आर्टिस्ट के अंदर ओपन क्रिएटिव क्या चीज है, फिक्स ट्रेंड का क्या मतलब है और कैंपेन ड्यूरेशन क्या होती है। इन सारी चीजों को समझने के बाद ही हम वर्क विद आर्टिस्ट से अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हैं और मेरे ख्याल से क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम से भी ज्यादा यहां पर पैसे कमा सकते हैं। तो बिना टाइम जाया किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको समझाता हूं कंप्लीट प्रोसेस। वर्क विद आर्टिस्ट का एक सिंपल सा मेथड है कि आपने म्यूजिक को पिक करना है, उसके ऊपर वीडियो क्रिएट करनी है और आपको पैसे मिल जाएंगे आपके व्यूज लाइक्स एंड शेयर्स के हिसाब से। अब वर्क विद आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आप 18 ईयर से ज्यादा होने चाहिए, आपके 1000 फॉलोअर्स होने चाहिए और एंटी चीटिंग वेरिफिकेशन भी आपका ओके होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एंटी चीटिंग वेरिफिकेशन क्या चीज होती है और ये कौन से मैट्रिक्स के तहत ओके होता है, यानी कि अगर ये ओके होगा तो आप अप्लाई कर सकेंगे, अगर ये ओके नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंटी चीटिंग वेरिफिकेशन 3 चीजों के ऊपर काम करता है, सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट, फॉलोअर्स यानी कि फेक हैं या रियल हैं, और आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इन 3 चीजों में अगर आप सब चीजें ओके कर लेते हैं तो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो ओके हो जाएगी, जिसके अंदर मैं आपको क्लियरली थोड़ा सा डिटेल से यानी कि आसान लफ्जों के अंदर समझा देता हूं कि आपकी जो 2-स्टेप वेरिफिकेशन है उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, वो 4 के 4 आपके ऑन होने चाहिए। आपका नंबर वेरीफाइड हो, मतलब साथ नंबर लगा हो, उसके ऊपर कोड जाता है, कोड आप देते हैं वेरीफाई हो जाता है। आपका ईमेल लगा होना चाहिए, वो भी वेरीफाई होना चाहिए। आपके अकाउंट के ऊपर फेक फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए, आप फेक फॉलोअर्स ना लें कहीं से भी, आप ऑर्गेनिक काम करें। मैंने भी एक वीडियो के अंदर मेथड भी बताया था कि आप 10,000 किस तरह फॉलोअर्स कर सकते हैं, वो यहाँ पर वीडियो आ रही होगी, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उसमें जो 3rd मेथड है उसके अंदर आपने चीपेस्ट की बजाय हाई क्वालिटी वाले सिलेक्ट कर लेने हैं। बाकी सबसे ज्यादा अच्छा मेथड फॉलोअर्स बढ़ाने का वो ये है कि आप डेली 400 से 500 लोगों को फॉलो करें तो वहां से आपको काफी अच्छे फॉलोबैक मिल जाते हैं। और देन आपने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेनी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपकी आईडी कार्ड, जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, उससे ही हो जाती है। आपकी वेरिफिकेशन भी ओके होने चाहिए, उसके बाद आपका भी मेरी तरह वर्क विद आर्टिस्ट ओपन हो जाएगा। अब मेरे पास भी ये वर्क विद आर्टिस्ट ओपन है, मेरे 1000 फॉलोअर से भी ज्यादा है और बाकी जितना क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया है यहाँ पर वो सारा क्राइटेरिया मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो मेरे सामने वर्क विद आर्टिस्ट ओपन हो चुका है। अब नेक्स्ट आपको मैं ये बताता हूं कि वर्क विद आर्टिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और इनमें इन चीजों का क्या मतलब होता है, ठीक है, ताकि जब आप इसको यूज करें आपका भी ओपन हो जाए तो आपको ये ना परेशानी हो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहां पर अब मैंने करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास वर्क विद आर्टिस्ट की विंडो ओपन हो चुकी है। यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ब्लू कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, ये कैंपेन्स हैं, इनको कैंपेन्स बुलाते हैं, ठीक है। कैंपेन्स क्या होती है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने सॉन्ग्स को टिकटॉक से प्रमोट करवाते हैं, यानी कि वो यहां पर आकर लगाते हैं, वो बिड दे देते हैं कि $200 $300 हम पे करेंगे और ऑडियंस हमारे उस सॉन्ग के ऊपर वीडियोस बनाए और पोस्ट करे और जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतने ज्यादा हम पे करेंगे। अब कितने व्यूज पे कितने पैसे मिलेंगे वो भी आपको यहां पर अभी मैं दिखाता हूं। अब लेट्स सपोज ये ऊपर ऊपर हमारे एक कैंपेन है, ठीक है, इस कैंपेन को मैं ओपन कर लेता हूं। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा यहां पर हमने एक चीज नोट करनी है, क्या ये ओपन क्रिएटिव है या ये फिक्स ट्रेंड है। अब ओपन क्रिएटिव क्या चीज होती है और फिक्स ट्रेंड क्या होता है? ओपन क्रिएटिव का मतलब होता है कि आप किसी भी वीडियो के अंदर इस सॉन्ग को लगा के उसको पोस्ट कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है, उसके व्यूज के ऊपर आपकी अर्निंग होगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो होते हैं फिक्स ट्रेंड। अब ये वाला कौन सा है, मैं नीचे आ जाता हूं, ये देखें लिखा हुआ है दिस इज अ फिक्स्ड रिक्वायरमेंट कैंपेन। फिक्स्ड रिक्वायरमेंट वाली या फिक्स्ड ट्रेंड वाली जो होती हैं, इनके ऊपर आपको स्पेसिफिकली कुछ वीडियोस होती हैं जिनके ऊपर मिलता है। लेट सपोज अब एक वीडियो है वो रिलेटेड है क्रिसमस के, तो आप क्रिसमस रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, उस ट्रेंड के रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, तब ही आपको उस वीडियो के ऊपर रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके ऊपर आपकी अर्निंग होगी। तो फिक्स ट्रेंड वाले होंगे उसी के रिलेटेड, उस किसी भी इवेंट के रिलेटेड, और अगर ओपन क्रिएटिव है तो वो सबसे बेस्ट है, वो आप किसी भी वीडियो के ऊपर, मतलब आपने एक वीडियो बनाई थी वो आपकी गैलरी में पड़ी है, आप उसके ऊपर वो साउंड लगा सकते हैं या आप न्यू वीडियो भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ओपन क्रिएटिव भी हमारा क्लियर हो गया और हमारा फिक्स ट्रेंड भी क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाती है कैंपेन ड्यूरेशन। अब कैंपेन ड्यूरेशन क्या होती है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, कैंपेन ड्यूरेशन यहीं पर लिखी होगी। यहां पर आप देख सकते हैं टॉप के ऊपर लिखा हुआ है
11 फेब से 14 फेब तक। अब इसका जो ड्यूरेशन है कि ड्यूरेशन ये दिया हुआ है कि 11 फेब से 14 फेब के दरमियान में आपने इस कैंपेन के ऊपर वीडियोस बनानी है। अगर इससे बाहर मतलब एंड हो गया, आप जैसे आज 15 है तो कल इसकी डेट एंड हो चुकी है, तो ये कैंपेन एंड हो गई है। नीचे नीचे आपको नजर आ रहा होगा कैंपेन एंडेड, ठीक है। तो कैंपेन जब खत्म हो जाती है तो आप उसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकते, तो आपको कंटिन्यूअसली यहां पर चेक करना होता है कि आपके पास जैसे कैंपेन आए और आप उसके ऊपर काम कर सकें तो उसके ऊपर आप फौरन वीडियो बना दें। अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा यहां पर लिखा हुआ है मैक्स $300, आप $300 मैक्सिमम बना सकते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि लेस देन 500 व्यूज पे आपको $0 मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। 5000 व्यूज के ऊपर आपको $5 मिलेंगे, 10000 व्यूज के ऊपर आपको $10 मिलेंगे। और मेरे हिसाब से ये इंतहाई जबरदस्त अमाउंट है। यहां पर क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम के अंदर आपको 1,00,000 व्यूज के ऊपर $20 मिल रहे होते थे, यहां पर आपको 20,000 व्यूज के ऊपर $20 मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक लॉटरी से कम नहीं है। अगर आप वर्क विद आर्टिस्ट के अंदर आप काम कर लेते हैं, आपके व्यूज आते हैं और टिकटॉक के ऊपर व्यूज आ भी जाते हैं, कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो यहां से अर्निंग करना एज कंपेयर टू क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम एंड क्रिएटर फंड यहां पर इजी है। अब ये तो हो गए कैंपेन एंड, मैं यहां से बैक करता हूं, ऊपर जाता हूं, तो यहां पर लिखा हुआ है यू आर अर्ली, आप जल्दी आ गए हैं। नो कैंपेन्स येट, अभी तक कोई कैंपेन नहीं आई न्यू। तो जितनी भी कैंपेन्स थी, ये लास्ट वाली कैंपेन है, ये कल एंड हो गई है, तो आज यहां पर कोई भी कैंपेन नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको समझा जरूर देता हूं कि आपके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा और आपने किस तरह वीडियो को बनाना है। अब जैसे न्यू कैंपेन लेट्स सपोज आ गई, तो आपने उसको ओपन कर लेना है, यहां नीचे आ जाएंगे, यहां कैंपेन एंडेड की जगह दो बटन आएंगे, एक होगा यूज दिस साउंड और दूसरा होगा सबमिट वीडियो। तो आप इसको आपने गौर से सुन लेना है, ठीक है, और जब आप अप्लाई करेंगे तो आप मेरी इस वीडियो को देख के साथ साथ कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इजी स्टेप है, कोई मसला नहीं है। आपने पहले पहले क्लिक करना है यूज दिस साउंड, यूज दिस साउंड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहां पर लिखा हुआ है यूज दिस साउंड, अब ये साउंड कोई और है, लेकिन उस कैंपेन पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने यूज दिस साउंड के ऊपर क्लिक करके यहां पर आप वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं और न्यू वीडियो को शूट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, अपलोड करना चाह रहे हैं या न्यू वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह आप साउंड के ऊपर वीडियो जब बना लेंगे, वीडियो आपकी हो जाएगी पोस्ट। अब जैसे लेट्स सपोज मेरी फर्ज किया कि ये वाली वीडियो है, ठीक है, ये हो गई पोस्ट, ये उस यूज दिस साउंड पे क्लिक करके मैंने वीडियो अपलोड कर दी और वो उनका वाला जो आर्टिस्ट वाला साउंड है वो बैकग्राउंड में लग गया। फिर मैंने क्या करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मैंने यहां पर आना है कॉपी लिंक पे, इसका लिंक कॉपी करना है, ठीक है। मैं यहां पर ये देख कॉपी लिंक पे क्लिक करके मैंने दोबारा उसी कैंपेन में जाना है वर्क विद आर्टिस्ट के अंदर। तो जब आप कैंपेन के अंदर वापस आ जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे दो ऑप्शन हैं, एक यूज दिस साउंड, उस पर क्लिक करके आपने जाके वीडियो अपलोड कर दी और लिंक कॉपी करके ले आए। अब यहां पर सेकंड बटन साथ होगा सबमिट वीडियो, तो सबमिट वीडियो के ऊपर आपने क्लिक करके ऊपर एक बार आ रही होगी, बॉक्स होगा, उसके अंदर आपने वो लिंक पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आपने सबमिट वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है, आपकी वीडियो सबमिट हो गई। उसके बाद उस वीडियो को जितने ज्यादा लोग देखेंगे, जितने ज्यादा उसके ऊपर लाइक कॉमेंट्स फॉलोअर्स इंगेजमेंट आएगी, उतने ज्यादा आपको डॉलर्स मिलेंगे। और डॉलर्स कैसे मिलेंगे, अगर 5000 व्यूज आ गए तो $5 मिल जाएंगे, 10000 व्यूज आ गए $10, इसी तरह आप $300 तक इस एक कैंपेन से, सिंगल कैंपेन से कमा सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे, जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप वर्क विद आर्टिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको एक एरर शो होगा कि दिस पेज इज नॉट एक्सेसिबल या फिर दिस पेज इज ओनली एक्सेसिबल इन सर्टेन रीजन्स। तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसका ये है कि जब आप VPN यूज करते हैं और फिर आप ट्राई करते हैं तो फिर भी आपका ये मसला हल नहीं होता, यहाँ पर या आप VPS के अंदर या एमुलेटर के अंदर इंस्टॉल हो PC के अंदर, यानी कि आपकी TikTok, तो फिर तो काम चल जाएगा। अदरवाइज जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता है कि मैंने पिछली कुछ वीडियोज के अंदर US का TikTok अकाउंट बनाना सिखाया था फ्री के अंदर, उसके लिए मैंने आपको एक TikTok का लिंक दिया था डाउनलोड करने के लिए, मॉड APK आपको दिया था, यानी कि TikTok डाउनलोड करने का लिंक दिया था, वहां से आपने TikTok डाउनलोड की थी और फ्री में
यूएसए का टिकटॉक अकाउंट क्रिएट किया था, तो वहां पर आपने इसके ऊपर अप्लाई भी करना है, अप्लाई करने के बाद यूज भी करना है। सिंपल टिकटॉक के ऊपर जब आप यूज करने की कोशिश करेंगे तो आपको रीजन का इशू आएगा, तो उस टिकटॉक के ऊपर जब आप यूज करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आने वाला। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में वर्क विद आर्टिस्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर दोनों टॉपिक को मैंने इसी वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है कि वर्क विद आर्टिस्ट है क्या, काम कैसे करता है और किस तरह हम इससे अर्निंग कर सकते हैं और कितनी अर्निंग कर सकते हैं। प्लस जिन लोगों का ये मसला आ रहा था कि एंटी चीटिंग पास वेरिफिकेशन उनकी कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो उनकी वजूहात भी मैंने बता दी कि वो क्या क्या चीजें काउंट करते हैं और आपको उसको पास करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अभी तक अगर आप टिकटॉक से पैसा नहीं कमा रहे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और अभी तक आपने अगर यूएसए टिकटॉक अकाउंट विदाउट वीपीएन नहीं बनाया तो आप बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। तो अगर आप यूएसए का अकाउंट बिल्कुल फ्री बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके भी वहां देख सकते हैं, और इस वीडियो के एंड के ऊपर वो वीडियो मैं शो करवा दूंगा, तो वहां पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट फ्री में बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।